फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ घर में रखे हुए कोकोनट से स्वीट। और इस 1 किलो दूध ले लिया है जिसको मैंने उबलने रख दिया है, और इसको हम अब धीमी गैस पर कर देंगे और इसको पकाते रहेंगे। पहले तेज फ्लेम पे पका लेना एक बार, उसके बाद में धीमी गैस पे, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा। और ये कुछ देर तक मैंने पका लिया था, इसका कलर भी चेंज हो गया, थोड़ा और पकने देंगे। और ये कोकोनट है, इसके पीसेस करके हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इससे और भी जल्दी आसानी से हो जाएगा जल्दी काम। पीसेस कर लेंगे और इसको मिक्सर जार में रोक रोक कर पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसना है, और थोड़ा सा इसमें दलदला रखना है। अभी दूध ऐसे हो गया जैसे रबड़ी की तरह से, इसको हम साइड में रख देते हैं और ये गैस पर रख देंगे और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा भूनना है बस। ये थोड़ा सा हमने भून लिया ताकि इसकी थोड़ी सी खुशबू चेंज हो जाए। अब या तो हम इसको भगोने में डाल देंगे या दूध को इसमें डाल देंगे, तो कैसे भी कर सकते हो आप, मैं दूध को इसमें डाल रही हूँ। इसको चलाते हुए पकाना है, छोड़ना नहीं है, और तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसमें आप कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हो, नहीं तो ये तो खुद का फ्लेवर इसका ओरिजिनल इतना अच्छा आता है कि इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। केसर, इलायची, वो अपनी पसंद है। आमतौर पर जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में बैठे हुए शुद्ध और बढ़िया टेस्टी स्वीट बना करके खाइए। चाहे इसके लड्डू बनाइए, चाहे इसके पेड़े बनाइए, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं। बस अब इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आगे मैं बताती हूँ क्या करना है और कब करना है। इसको प्लेट में भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ठंडा होने में। बस ये पेस्ट मेरा ठंडा हो गया, अब इसमें हम जितनी हमें ज़रूरत है मीठा हम मिला लेंगे। इसमें हम बूरा मिलाएंगे या चीनी पीस कर भी मिला सकते हैं, और लेकिन ठंडा होने पर ही इसको मिलाना है, गरम में नहीं मिलाना, नहीं तो ये पानी पानी हो जाएगा। बस अब मैं इसको ऐसे शेप दूंगी ऐसे, और इसमें नारियल में लपेट देंगे। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, गोल शेप भी बना सकते हैं, लंबी शेप भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैं सिलेंडर शेप में बनाऊंगी इस टाइप से। ये हमारे सारे नारियल के रोल रेडी हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, तो दूध में बना करके आप भी ट्राई कीजिएगा। और ये 2 नारियल में ही मेरे इतने सारी मिठाई बन गई है, ये 1 किलो से ऊपर मिठाई होगी। इसमें मेरा 1 किलो दूध लग गया है और 1/2 किलो बूरा लग गया होगा, और 2 गोले नारियल कोकोनट है वो भी लग गया है, उसमें से थोड़ा सा बच भी गया था। और आप एंजॉय कीजिए, बनाइएगा, फिर बताइएगा कैसी लगी। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए अपना। और कोई वीडियो देखने के लिए आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो वो बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।